जय हिंद दोस्तों, मैं पिंकेश यादव स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। मैं आज लेके आया हूं कि उत्तर प्रदेश जी के, तो हम जानेंगे आज उत्तर प्रदेश का इतिहास, राजधानी, कितने जिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो नामकरण हुआ वो कैसे कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। सबसे पहले यूपी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, बंगाल प्रेसिडेंसी। उसके बाद 1833 में ये आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया। 1833 में ये आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया। फिर हम बात करते हैं तो 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा, उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद 1907 में इसका नाम 1902 में इसका नाम आगरा एवं अवध का क्षेत्र, आगरा एवं अवध का क्षेत्र कहलाया, आगरा एवं अवध का क्षेत्र। बात करते हैं फिर 1937 में ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1937 में ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। अब बात आती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो नाम पड़ा वो पड़ा 12 जनवरी 1950 को, 12 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। जनवरी 1950। अब बात करते हैं हम इसकी आज तक की जो राजधानियां रही हैं, क्या क्या राजधानी और किस किस सन में कहां कहां थी। तो बात करें इसकी राजधानी 1836 से 1858 तक, 1836 से 1858 तक इसकी राजधानी जो थी वो आगरा थी, आगरा। उसके बाद 1858 से 1925 तक इसकी राजधानी थी इलाहाबाद। फिर बात करते हैं हम 1925 से अब तक इसकी राजधानी जो है लखनऊ है, लखनऊ इसकी राजधानी है जो इस समय वर्तमान में है। अब हम बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल के बारे में, तो इसका क्षेत्रफल जो है 24,980 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, भारत का कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल है इसका 24,980 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि भारत के कुल हिस्से का 7.33% है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है, पांचवें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे बात करें तो राजस्थान होगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि पर भारत में पहले स्थान पर आता है। अब बात करते हैं हम इसकी यूपी की, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, इसकी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। अगर बात करें जिले की संख्या, तो यूपी में कुल जिले आपके हैं 75 73+3, तीन जिले जो हैं वो अंतिम तीन जिले हैं, संबल, सांगली और हापुड़,
ये आपके अंतिम तीन जिले हैं। अगर बात करें इसके पूर्वी जिला और उत्तरी जिला और दक्षिणी और पश्चिमी के बारे में, तो इसका सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है, जो कि अपनी तीन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से। ये है आपका सहारनपुर उत्तरी जिला, ये तीन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगर बात करें पूर्वी जिला की, तो पूर्वी जिला है इसका बलिया, जो कि बिहार से अपनी सीमा साझा करता है, बात करें अगर पश्चिमी जिला की, तो पश्चिम का इसका जिला है शामली, जो हरियाणा से अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिणी जिला की बात करें तो दक्षिणी जिला इसका है सोनभद्र, जो कि चार राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, एमपी, मध्य प्रदेश, सीजी, छत्तीसगढ़ और आपका बिहार और झारखंड, ये चार राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश का अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। अगर न्यूनतम क्षेत्रफल की बात की जाए, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश का जिला होगा संत रविदास नगर जो है, यह उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, अगर हम बात करें एक राष्ट्र जो यूपी से अपनी सीमा साझा करता है, तो नेपाल, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जो कि यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से टच होने वाले राज्य, उत्तर प्रदेश अपनी सीमा जो बनाता है किन किन राज्यों से बनाता है। तो आज हम अगर बात करें उत्तर में, तो उत्तराखंड हो जाएगा नंबर एक, नंबर दो हिमाचल प्रदेश, नंबर तीन हरियाणा, फिर और आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश एमपी, उसके बाद आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ सीजी, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका झारखंड और आपका फिर आ जाएगा बिहार। और एकमात्र राष्ट्र नेपाल, नेपाल भी अपनी सीमा साझा करता है। और नेपाल उत्तर प्रदेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाती है, नेपाल और यूपी के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो नदी है शारदा नदी। शारदा नदी जो है यूपी और नेपाल के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है।
बनाती है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ प्रथम व्यक्ति के बारे में जिन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री कौन और प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो चलिए शुरू करें। अगर बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री, तो प्रथम सीएम हो जाएंगे हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर बात करें प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और बात करते हैं हम प्रथम महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल तो हमारी हो जाएंगी श्रीमती सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो राजश्री प्रथम विधानसभा विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है वो है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ये हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगर बात करें प्रथम लोकायुक्त, लोकायुक्त की बात करें तो प्रथम लोकायुक्त हो जाएंगे हमारे विशंबर दयाल, विशंबर दयाल जो कि यूपी के प्रथम लोकायुक्त थे। अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश तो ये हमारे थे कमलाकांत कमलाकांत वर्मा। अगर सूचना मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो सूचना आयुक्त हमारे यूपी के सूचना आयुक्त प्रथम सूचना आयुक्त थे मोहम्मद असगर खान, मोहम्मद असगर खान। तो चलिए अब बात कर लें कुछ राजकीय यूपी के राजकीय चिन्हों के बारे में। तो राजकीय पशु, बात करें यूपी का राजकीय पशु, तो यूपी का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा। अगर बात करें राजकीय वृक्ष, तो वृक्ष हो जाएगा अशोक का वृक्ष। अगर बात करें राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी हो जाएगा आपका सारस क्रौंच। अगर बात करें राजकीय नदी, तो राजकीय नदी हो जाएगी गंगा। और राजकीय जलीय जीव की बात करें, जलीय जीव तो राजकीय जलीय जीव होगा हमारा डॉल्फिन, मछली, डॉल्फिन जो है हम यूपी का राजकीय जलीय जीव है। अब बात करते हैं यूपी की लोकसभा सीटों के बारे में, तो यूपी में कुल लोकसभा सीटें जो हैं, लोकसभा सीटें हैं 80। अगर विधानसभा बात करें तो विधानसभा की सीटें हैं आपकी 403 प्लस 1, 404। अगर बात की जाए राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा सीटें हैं
यूपी में टोटल 31 और विधान परिषद सीटों की बात करें तो विधान परिषद सीटें हैं 100 और यूपी में एकमात्र विकलांग केंद्र विश्वविद्यालय है। यूपी के अंदर एकमात्र विकलांग केंद्र विश्वविद्यालय जो कि चित्रकूट में है, चित्रकूट। और अगर बात करें हम केंद्र विश्वविद्यालयों की तो यूपी के अंदर 4 हमारे केंद्र विश्वविद्यालय हैं, 4 यूपी में केंद्र विश्वविद्यालय हैं। तो बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, 1887 में इलाहाबाद में। बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी जो कि वाराणसी में है, 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। बात करें नंबर 3 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, अलीगढ़ में है। बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय। नकलू में है। चलिए आज की वीडियो में हमारा इतना ही, आगे ऐसे ही टॉपिक के साथ बने रहेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।